अच्छा, ये तो हुई जहरीली हवा की बात, जिसे साफ करना है। अब आपको सावधान भी करना है, और सावधान करना है मीठे जहर से। आप पूछेंगे कौन सा जहर? वही जो आजकल मिठाई की दुकान पर बिकता है, यानी मिलावटी स्वीट्स। दिवाली आते ही कई दुकानदार नकली मावा बनाते हैं, सप्लाई करते हैं। कई बार प्रशासन ऐसी दुकानों पर पहुंच भी जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसे बड़े बड़े शहरों की मार्केट में खपा देते हैं। अंजाम क्या होता है, रिपोर्ट देखकर आपको समझ आ जाएगा। मेरठ का जिला अस्पताल और सरकारी बेड पर इलाज करा रहे ये हैं मोहम्मद वाजिद। नर्स बीच बीच में आती है और वाजिद का बीपी चेक करती है। मगर इन्हें हुआ क्या, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होने की नौबत क्यों आई? कल रात तक तो अच्छे खासे थे। 10:30 बजे से मैंने दूध और मिठाई खाई थी, और उससे बाद में 11:30-11 बजे उल्टी लगनी चालू हुई थी, उल्टी और दस्त। फिर ज्यादा हालत बेकार हो गई मेरी, तो घर वाले मुझे एडमिट के लिए यहाँ ले आए। सस्ती मिठाई के चक्कर में वाजिद बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गई। यही हाल बिहार के हाजीपुर में रहने वाले मनोज और नीलम का भी हुआ। सस्ती मिठाई के चक्कर में दवा खाने का चक्कर लगाना पड़ गया। मिठाई उठाई बाजार का खाने से लूज मौसम हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी बढ़ गया। 2-3 दिन पहले मिठाई खाने से लूज मोशन हो गया है। मीठा खा लिए थे, उससे पेट में गैस बन गया है, पेट खराब हो गया है। एक लाइन में समझाएं तो फेस्टिवल सीजन का दिवाली मेला आपकी मिठाई में मिलावट का खेला। देश में नकली मिठाई अब हर साल की प्रॉब्लम है। शहर छोटे हो या बड़े, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर सतर्क हैं। कई दुकानों पर छापे मार रहे हैं, सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, फिर भी मिलावट का खेल खुलेआम होता है। यूपी हो या फिर मुंबई का पालघर, तस्वीरें करीब करीब एक जैसी ही हैं। पालघर में तो प्रशासन ने 22,000 किलो नकली मावा पकड़ा। जो बसें राजस्थान और गुजरात से आई, उनकी चेकिंग के दौरान ये पकड़ा गया। इसमें से 3,000 किलो तो ऐसा था जो बिल्कुल खराब था। इसीलिए चेकिंग टीम ने सुबह तक का इंतजार भी नहीं किया, रात में ही गड्ढा खोदा, जेसीबी चलाकर मिलावटी मावे को नष्ट कर दिया। और जो ग्राहक है, उन्होंने मिठाई मावा या ये परचेस करते टाइम जो स्वीट मार्ट से उधर से जब मिठाई परचेस करेंगे तो बेस्ट बिफोर डेट, यूज बाय डेट, ये फ्रेश है का, ये देख के ही वो परचेस करना चाहिए। मसला आपकी सेहत का है तो आप बीमारू मिठाई से कैसे बचेंगे? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो मिलावटी मिठाई से बच सकते हैं। लेकिन पहला सवाल तो ये कि मिलावट होती कैसे? दरअसल मिठाई बनाते वक्त दूध, मावा, चांदी के वर्क, चीनी या तेल और घी में मिलावट की जाती है। कुछ लोग चांदी के वर्क में एल्यूमिनियम मिक्स कर देते हैं, दूध में यूरिया, कलर और वॉशिंग पाउडर मिला दिया जाता है, घी में चर्बी मिलाई जाती है और मावा में अरारोट और मैदा मिक्स करके बेचा जाता है। होली हो या दिवाली, हमारे देश में मिठाई का इस्तेमाल साल भर चलता है, इसीलिए मिलावट का बाजार भी गर्म रहता है। इसका हिसाब किताब है कितना? साल भर में 1,25,000 करोड़ की मिठाई नमकीन बिक जाती है। इसमें 50% मिठाइयाँ त्योहारों पर खरीदी जाती हैं। इसी के साथ साथ नकली मिठाई का जाल बेचता है, कारोबार हजारों करोड़ रुपए का है। मिलावटी मिठाई की जांच के लिए एजेंसियां लगातार रेड वगैरह करती रहती हैं। पिछले साल 20% से ज़्यादा सैंपल नकली पाए गए थे। इतनी रेड के बावजूद हर साल मिलावट क्यों होती है? जवाब है कमज़ोर कानून। मिलावट का दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा होती है, 1,000 रुपये जुर्माना होता है, इतना ही प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में देखें तो मिलावट पर सख्ती बरती जानी चाहिए। इससे कम से कम 25,000 रुपये जुर्माना, 6 महीने की सजा, ये अनिवार्य होना चाहिए।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो मिलावट के दोषियों को उम्र कैद तक का प्रावधान किया गया है। मैं तो ये पता लगता है भाई मिठाई खाई थी तो उल्टी आ गई, हॉस्पिटल चले गए, या दस्त लग गए हॉस्पिटल चले गए, या और थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, अगर रखी हुई मिठाई खा ली तो बुखार आ गया, टाइफाइड टाइप का इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें यही कह सकता हूँ कि जो ज़्यादा कंजम्पशन होता है मिठाई का उसकी वजह से मैं एक या 2% तो लोगों को इसमें टॉक्सिक हानि होती ही है। तो ये एक छोटी तादाद नहीं है और सीज़न के टाइम ये चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो मिठाई खाई जाएगी। पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड दिखा है कि धन और जितने भी साधन संपन्न परिवार होते हैं मिठाई की बजाय ड्राई फ्रूट्स का चलन उनमें बढ़ा है। शहरी इलाकों में ज़्यादातर जूस और नमकीन के गिफ्ट पैकेट्स वगैरह देकर अपने त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मिठाई की मांग कम हुई है, क्योंकि ऐसा होता है और अगर ऐसा होता तो फिर शायद इतना ज़्यादा मावा दुकानों पर तैयार ना होता, हज़ारों किलो मिलावटी मिठाई बाजार में इस तरह ना पहुँचती। ये इसलिए पहुँचती है मिठाई क्योंकि त्योहारों के मौके पर आज भी हमारे देश में मिठाई देने का, मिठाई स्वीकार करने का, मिठाई खाने का चलन है और हम बांटते भी हैं इसे। इसी आबादी को सावधान रहने की ज़रूरत है और हमारी एजेंसियों को भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार मिलावट की ये मीठा जहर खाने से आप गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और कई बार तो जान भी जा सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।